संभाल कर I am the face of Indian nationalism. Five national issues you're seeking vote for today. I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your five national issues, no, sir? No, there are many issues. See, what I feel, people of India should understand, especially the youth. The Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agnivir. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protects the country and us and the Indian citizens. He will definitely do this because 4 years service, you are out. So the same argument will be given. Secret alliance. So see, if this can be done for the army, why won't this government do it, which we don't want? Now, can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years. But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अभी उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी, मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की जरूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, रेलवेज में भी करेंगे नहीं करेंगे और आरपीएफ में तो करेंगे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द इंडिया ब्लॉक अलायंस? आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की अच्छा जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन आप लोग देखिए, ये कोई एक क्या बोलना चाहिए कि एक इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए ओसी। अरे भाई सब चीज है ना भाई, आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो, हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात में उनका नाम भरे पॉसिबल है 400 पार। देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। स्टिल मोदी इज कंसिडर्ड।